हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं होंडा हॉर्नेट बाइक जो होता है उसके टायर को लेकर। ऐसे उस गाड़ी में जो कंपनी फिटेड टायर आता है वो ज़्यादातर लाइलून टायर आता है, लेकिन कंपनी ने जो टायर का कंपनी है वो लाइलून रेडियल दोनों टायर बनाता है। तो आपके लिए कौन सा टायर बढ़िया होगा, दोनों में क्या फैसिलिटी है, क्या अंतर रहता है और उसका प्राइस क्या है, उसका पैटर्न कैसा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टायर को दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, दोनों टायर जो है आपको लग रहा है कि एक ही टायर है, लेकिन ये एक टायर नहीं है, एक लाइलून है एक रेडियल है, दोनों ही अलग टायर है। लेकिन देखने में जो लग रहा है दोनों सेम ही लग रहा है, बीट जो इसका पैटर्न सेम है। तो दोस्तों ये टायर जो है ये रेडियल टायर है, देख सकते हैं ये वाला। चलिए हम इसी टायर से स्टार्ट करते हैं, आपको पहले ये रेडियल वाला टायर दिखाते हैं। तो दोस्तों रेडियल टायर जो है वो आपका क्या क्या बेनिफिट देने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। एक्चुअली रेडियल टायर में होता क्या है, आपका जो गाड़ी जो जर्किंग करता है लाइलून टायर में, रेडियल टायर में जर्किंग नहीं करता है, क्योंकि इस ये टायर में तार अंदर तार भरा हुआ रहता है, इसलिए ये जर्किंग नहीं करता है। लेकिन रेडियल टायर जो होता है इसका लास्टिंग कम है, और जो लाइलून टायर है ये वाला इसका लास्टिंग ज़्यादा है। ऐसे तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न लगभग माइलेज जो पैटर्न होता है उसी तरह का पैटर्न है, पैटर्न तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं माइलेज के लिए बहुत बढ़िया पैटर्न है ये। ये है MRF का रेवेज S, इसका साइज़ है 140/17। एक्चुअली रेडियल में ये और आता है, जो बीच का जो गैप होता है ये और आता है, लाइलून में यहाँ कुछ नहीं आता। आप देख सकते हैं रेडियल में ये जो बीच में जो लिखा हुआ रहता है ये और लिखा हुआ रहता है, लाइलून में ऐसे सिंपल रहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें आप यार प्रेशर रख सकते हैं 40 के आसपास, जो कंपनी मेंशन करके भेजा है। इसमें आप मैक्सिमम लोड ले सकते हैं 300 kg तक। इसमें MRF कंपनी आपको 6 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कराती है कस्टमर के लिए। ये बहुत बढ़िया टायर है, लेकिन आपका लाइलून से ये लास्टिंग कम करेगा और आपका जो बाइक है वो बाइक को आपका जर्किंग होने से बचाएगा। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टायर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये लाइलून टायर है, ये भी MRF का टायर है, इसका भी पैटर्न सेम ही है। दोस्तों ये है MRF का लाइलोग्रिप जाफर S1, इसका साइज है 140/70/17। आप देख सकते हैं इसमें ये और जो उसमें रेडियल में और लिखा हुआ आता है, इसमें और लिखा हुआ नहीं होता है। इसमें आप यार प्रेशर रख सकते हैं 40 के आसपास दोनों उसमें, और इसमें दोनों में सेम प्रेशर जो हवा होता है वो आप रख सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया टायर है, इसमें भी MRF कंपनी 6 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करा दी है कस्टमर के लिए। इसमें भी आप लोड क्षमता 300 kg तक ले सकते हैं उसमें, और इसमें ये सेम लोड क्षमता कैपेसिटी है। दोस्तों आप तो जानते हैं लाइलून टायर थोड़ा हार्ड होता है, उसके लिए आपका गाड़ी जो है थोड़ा जर्किंग करता है, और लाइलून टायर का ग्रिप थोड़ा कम पकड़ता है और रेडियल का जो है ग्रिप होता है। कहीं आप अगर ब्रेक करें तो उसमें आपका ब्रेक ज़्यादा अच्छा धरता है रेडियल टायर में, लाइलून टायर में ब्रेक क्षमता कम रहता है रेडियल टायर से। तो आपको कौन सा टायर बढ़िया लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों का फैसिलिटी अलग अलग है, रेडियल टायर कम लास्टिंग करता है और हार्ड जो लाइलून टायर होता है वो ज़्यादा लास्टिंग करता है। आपको चूज़ करना है कि आप गाड़ी को बचाइएगा या टायर को बचाइएगा। आप अगर गाड़ी को बचाए तो रेडियल टायर लगा सकते हैं, और आप टायर को अगर बचाना चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा तो आप लाइलून टायर में जा सकते हैं। तो चलते हैं हम प्राइस की ओर, किसका प्राइस कितना है वो भी हम आपको बताते हैं। जो रेडियल टायर है उसका प्राइस आपको मार्केट में 4000 के आसपास में मिल जाएगा, और जो लाइलून टायर है वो 3250 के अंदर आपको किसी भी MRF शोरूम में अवेलेबल मिल जाएगा। दोनों टायर में आपको 6 ईयर की वारंटी मिल ही जाएगा,
तो वीडियो का यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।